पूरी दुनिया में जिस नेता को अब वैश्विक नेता के रूप में दुनिया ने स्वीकार कर लिया, उस नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना देश की 130 करोड़ जनता का अपमान है। मोदी जी बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। इस देश के इतिहास में केवल दो बार ऐसा हुआ है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुआ, जब हमने प्रधानमंत्री पद के लिए किसी व्यक्ति को जनता के बीच में चयन करने के लिए दिया, और मोदी जी जनता द्वारा चुने गए। मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब दोनों बार जब वोट मिले हैं वो मोदी जी के नाम पर मिले। 130 करोड़ जनता के वो दिल के नगीने हैं और जनता ने उनको चुना है। इस देश के इतिहास में चाहे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने हो, उनको चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया। चाहे इंदिरा गांधी बनी हो, उन्हें कभी भी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया। राजीव गांधी, गुलजार जी, गुजराल जी, देवगौड़ा जी, मनमोहन सिंह जी, इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी ही हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया था, और चुनाव जब लड़ा गया तो मोदी के नाम पर लड़ा गया। वो नेता जो जनता द्वारा प्रधानमंत्री बना, उसके खिलाफ इस तरह की बात करना क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या जनता का अपमान नहीं है? दुर्भाग्यपूर्ण बयान पर नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। यदि वो ये मोदी के साथ उपाधि लगा रहे हैं, इसका मतलब ये देश की जनता और प्रदेश की जनता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बजट को विरोध कर रहा है। अब ये देखिए, ये बोलकर विपक्ष हमारे विधायकों की जो दक्षता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह की बातें करना ये दकियानूसी है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आज पूरा ट्रांजेक्शन मोबाइल पर हो रहा है। गांव का छोटा छोटा व्यक्ति भी SMS के माध्यम से अपने गेहूं के उपार्जन की खबर लेता है, तो ये तो बहुत आम है। मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए। देखिए देखिए, जो हमारे स्पीकर साहब ने कहा है वो हम सब आत्मसात करते हैं, और निश्चित रूप से हमें पढ़ना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर पहुंचे, उसको हर समय सीखने की चाहत होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अल्टीमेट नहीं है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखने की चाहत होनी चाहिए। और उन्होंने पालक के रूप में जो हमें सलाह दी है उसका हम स्वागत करते हैं। मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी पर सर, देखिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का भ्रष्टाचार और सही चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है। किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं किया? शराब में भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, निर्माण में भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार पार्टी है, और ये स्थापित हो गया। पहले उनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार में जेल वो गए, और अब मनीष सिसोदिया गए। पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, आम आदमी पार्टी चोरी भी करती है और सीना चोरी भी करती है, पर अब देश की जनता सब जान गई है।